Dear students, up till now we have studied two uh, tests for hypothesis testing. Uh, one of uh, those tests was Pearson r correlation test, and the second one was a partial correlation coefficient test. Now we will talk independent sample t-test. Independent sample t-test is a part of the t-test which we conduct for the hypothesis uh, t uh, testing. इसकी जो दूसरी टाइप्स हैं उसमें पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट आ जाता है वन सैंपल टी टेस्ट आ जाता है और एक ही इंडिपेंडेंट सैंपल की एक्सटेंशन जिसको हम वन वे अनोवा कहते हैं वो आ जाता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखना चाहें किसी नॉमिनल वेरिएबल का या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर आ, देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुपिंग वेरिएबल तो आ, आप जब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक कंपोजिट स्कोर हो या वो कंटिन्यूस लेवल पे मायर हुआ वो और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इसमें एक ग्रुपिंग वेरिएबल नॉमिनल डॉटोमस वेरिएबल होता है यानी जिसकी दो कैटेगरीज हों अगर किसी वेरिएबल की तीन कैटेगरीज हैं तो उसमें से हम दो कैटेगरीज के साथ ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ये जब हम एस पी एस एस में इसको परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट को फिर वहाँ पर जाकर मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊँगा इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले इसकी कुछ एजम्पन्स को के ऊपर बात कर लेते हैं इसकी पहली जमशन ये है कि देर शुड बी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही बिलोंग करते हों वो दोनों ग्रुप में फाल ना होते हो जैसे हम अगर कहें कि जेंडर की बेस पे हम देखना चाहते हैं जेंडर का इफेक्ट ऑन जीपीए तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि जो मैन uh, रिपोर्ट करेगा वो वुमेन की कैटेगरी में नहीं आएगा uh, इस तरह कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि आप uh, uh, की जो है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ना हो जहाँ जहाँ पर uh, जो है एक क्लियर uh, जो है डाइकोटमस वेरिएबल ना हो uh, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें डिपेंडेंट वेरिएबल में फॉर ईच ग्रुप कैटेगरी ये देखना है कि उसमें कोई आउटलायर नहीं है यानी कि अगर आप जीपीए पे इफेक्ट देखना चाहते हैं जेंडर का तो आप जीपीए को विद रेफरेंस टू द मैन एंड जीपीए विद रेफरेंस टू वुमेन इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इसमें कोई आउटलायर नहीं है और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो इसकी फोर्थ इजम्पन है कि अगर हम एक टेस्ट पर जो है कंप्यूट करने जा रहे हैं दो डॉटम कैटेगरी के, के साथ तो उसमें आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों ग्रुपों के लिए उसका जो वेरिएंस है वो इक्वल रिपोर्ट होना चाहिए अगर ये इक्वल रिपोर्ट नहीं होगा तो फिर हम आ, जो है इसका अल्टरनेट पाथ टी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की अगर हम हाइपोथसिस की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि देर इज़ नो मीन डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ़ ग्रुपिंग वेरिएबल और जो अल्टरनेट हाइपोथस होगा उसको लिखेंगे हम देर इज़ अ स्टेटिस्टिकली मीन डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ अ ग्रुपिंग वेरिएबल इसका जो प्रोसीजर है एस पी एस एस में इस टेस्ट का परफॉर्म करने का उसके लिए आप एनालाइज में जाएंगे एनालाइज में आकर आप कंपेयर मीन्स को टिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर टेस्ट वेरिएबल एंड व्हाट इज़ योर ग्रुपिंग वेरिएबल तो टेस्ट वेरिएबल यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपने याद रखना है कि टेस्ट वेरिएबल आपका जो है वो कंटिन्यूस इन नेचर होना चाहिए और ग्रुपिंग वेरिएबल आपका जो है वो डाइकोटमस इन नेचर होना चाहिए कि उसकी दो कैटेगरीज होनी चाहिए तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्रिवेंटिव बिहेवियर के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ जेंडर जब यहाँ पर आप ग्रुपिंग वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा ग्रुप्स कि आपने ग्रुप्स की वैल्यूज़ कैसे दी हैं तो आपने जो कोडिंग की हुई है अपनी एस शीट में वही आपने यहाँ पर लिखनी है मैंने जो है जेंडर को कोड किया हुआ है ज़ीरो वन की जो है लैंग्वेज के साथ अगर आपने वन टू या टू थ्री के साथ कोड किया हुआ है तो आप वही यहाँ पे लिखेंगे हम इसको नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ही के साथ ही चेक करेंगे तो इसको कंटिन्यू करके आप इसको भी कंटिन्यू कर देंगे तो जब आप इसको कंटिन्यू करके ओके okay करेंगे तो आउटपुट व्यू में आपके पास दो टेबल्स बन के आएंगे तो इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेसन है आपके लिए और उसको समझना ज़रूरी है तो पहली जो इंफॉर्मेशन आपने चेक करनी है कि जो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की जो जम्शन है एक के इक्वल वेरिएंस अज्यूम होना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सिग वैल्यू है आ, वो पॉइंट ज़ीरो फाइव से बड़ी है आ, हमारी जो वैल्यू है पॉइंट वन एट एट तो इट मीन्स दैट वी आर एक्सेप्टिंग आवर एच नॉट दैट द इक्वल वेरियंस बिटवीन बोथ ग्रुप्स इज अज्यूम्ड तो अब हम जो है इसके बाद देखेंगे टी वैल्यू तो जो टी वैल्यू है ये एक्चुअली टी टेस्ट की जो स्टेटिस्टिक uh, है टी उसकी वैल्यू है अब हमने इसको देखना कि ये जो टी वैल्यू है ये uh, क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं तो इसके लिए हम सिग टू टेल्ड पे पी वैल्यू देखेंगे कि क्या आई है तो ये हमारे पास एट फाइव जीरो आई है जो कि बड़ी है पॉइंट जीरो फाइव से तो यहां पर भी हम एक्सेप्ट करेंगे एट्स नॉट के देर इज नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन प्रिवेंटिव बिहेवियर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स तो आ, यानी हमारा आ, जो है अल्टरनेट हाई एक्सेप्ट हो गया है अल्टरनेट हाई रिजेक्ट हो गया है और नल हाइपॉसेस एक्सेप्ट हो गया है अब ये तो एक आ, यानी हमारा हाई टेस्ट हो गया है मगर इसमें इन आ, जो है इन दो टेबल्स में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए मीनिंगफुल है फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आप देखें कि मेल का मीन जो है प्रिवेंटिव बिहेवियर पर ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू टू है फीमेल का और मेल का ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन वन है तो प्रिवेंटिव बिहेवियर पे आ, के स्कोर पे स्लाइटली फीमेल का स्कोर ज़्यादा है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तो नहीं है ये डिफरेंस मगर स्लाइटली फीमेल का स्कोर ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड टू मेल और ये जो डिफरेंस है दोनों का वो पॉइंट वन ज़ीरो फोर है और ये डिफरेंस जो है जो है बहुत ही माइन्यूट है इसी वजह से हमारा जो है अल्टरनेट हाई रिजेक्ट हो गया है इसमें आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू दी गई है अब ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कहाँ से कंप्यूट हुई है तो ये कंप्यूट एक्चुअली हुई है स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन यानी ये जो आपकी ये वैल्यू है सिक्स पॉइंट 209 अगर हम इसको डिवाइड कर दें जो 208 के अंडर रूट से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.430 तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू यहाँ से कंप्यूट हो कि आपके पास आती है इसके साथ अगर हम देखें टी वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है तो जो टी वैल्यू है वो जो आपका मीन डिफरेंस है अगर हम इसको डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड एरर से तो आपके पास टी वैल्यू आ जाएगी यानी अगर हम पॉइंट वन ज़ीरो फोर को डिवाइड कर दें पॉइंट फोर थ्री जीरो से तो आपके पास जो स्कोर आएगा वो पॉइंट वन नाइन ज़ीरो आएगा तो ये आपकी टी वैल्यू यहाँ से कंप्यूट हो के आती है इसके साथ आपके पास यहाँ पर 95% परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द डिफरेंस है तो ये कैसे कंप्यूट होता है तो ये जो इसकी वैल्यू है ये एक्चुअली हम कंप्यूट करते हैं फॉर एग्जांपल लॉयर के लिए अगर हम देखें तो ये आपकी वैल्यू कंप्यूट हो आई है मीन डिफरेंस माइनस वैल्यू ऑफ जी मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इसके साथ ये आपकी वैल्यू आई है अगर इसी की हम अपर लिमिट देखें तो वो मीन डिफरेंस प्लस जी मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर तो Z जो है हमारे पास जो है नाइन्टी फ़ाइव कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर वन पॉइंट नाइन सिक्स इसकी वैल्यू होती है तो इस वैल्यू के साथ ये आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं तो टी टेस्ट की एक रूल ऑफ थम ये भी है कि अगर आ, आ, जो है इंटरवल डिफरेंस जो है नाइन्टी फाइव परसेंट अगर इसमें ज़ीरो आ जाए तो आपका जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है जैसा कि हमारे केस में हुआ है कि यहां पे बीच में जीरो आ गया है तो इस वजह से हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ रिजेक्ट हो गया अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर हमने प्रिवेंटिव बिहेवियर का कम जो है देखा है इफेक्ट कि इसके ऊपर क्या कोई एज का इफेक्ट है हमारे पास दो एज के ग्रुप थे अप टू ट्वेंटी फाइव ईयर और सिक्स टू फिफ्टी यहां पर अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव बिहेवियर का जो इक्वल वेरिएंस वो अज्यूम नहीं हुआ यानी जो आ, जो सिग वैल्यू है पॉइंट जीरो वन इज स्मॉलर देन पॉइंट जीरो फाइव तो अब हमारा एक्सेप्ट हुआ है एच वन तो जब एज वन इस ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्ट हो जाए तो फिर हम टी वैल्यू जो देखेंगे वो ये नॉट एज्यूम्ड वाली देखेंगे और यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी टी वैल्यू जो है वो पॉइंट ज़ीरो एट एट है जो कि हायर देन पॉइंट जीरो फाइव है और ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होता कि एज के जो दो ग्रुप्स हैं उसका कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है ऑन प्रिवेंटिव बिहेवियर के स्कोर के ऊपर क्योंकि जो है टी वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट इन दिस केस तो ये मैंने दो एग्जांपल्स के साथ आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं और इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं बाकी जो इसका टेबल कैसे हम कंप्यूट करते हैं और इसका राइटअप कैसे लिखते हैं वो फिर हम जब रिपोर्टिंग का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जाके हम स्टडी करेंगे